केवल मुसलमान एक घास के रूप में, उसका केवल टारगेट जो है, असली टारगेट जो आरएसएस का है वो है दलित और पिछड़े, कि वो अपना विरोध नहीं सुनना चाहती, आप अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहती है। और आलोचना कहाँ नहीं सुनी जाती है? आलोचना उसी व्यवस्था में नहीं सुनी जाती है जब आप अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगे। मनुवादी व्यवस्था के जो थे कि वो हमेशा सर्वोच्च है और सब अधिकार उन्हीं के पास सुरक्षित है, और बाकी लोग हैं वो केवल दास हैं, वो केवल सेवा करेंगे और वो अधिकार और सम्मान की जिंदगी नहीं नहीं जी सकते। है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका जिसमें सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, ये एक चिंता उनकी बड़ी चिंता है। और मुझे लगता है ये चुनाव इस बात का चुनाव भी है कि इस देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, और जो नफरत फैलाने की जो कोशिश हुई है इस पूरे 5-7 सालों में, 8 सालों में, उसमें उस राजनीति से कोई भी मुझे लगता है कि उसको स्वीकार नहीं करना चाहता है, उस राजनीति को बदलना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है इस देश का एक बहुत बड़ा तबका कम्युनल भी हो चुका है और उसको लग देखिए, मैं मेरा परसेप्शन और मेरा देखने का नजरिया एकदम डिफरेंट है। आप लोग उससे सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। मैं सोचता हूं कि आरएसएस और जो बीजेपी की विचारधारा है उसका मुख्य शत्रु मुसलमान नहीं है, केवल मुसलमान एक घास के रूप में, उसका केवल टारगेट जो है, असली टारगेट जो आरएसएस का है वो है दलित और पिछड़े। क्यों है? इसके पीछे का इतिहास आप समझिए कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान, संवैधानिक व्यवस्था आई, संविधान लागू हुआ, तो हक और अधिकारों की बात आई, तो उन वंचितों को हक और अधिकार मिले। अब वो हक और अधिकार किसके मिले, किसके क्षेत्र में इंटरफेयर हुआ या किसके अधिकारों का कटौती हुई, एक हिसाब से आप इस हिसाब से बात करें तो वो हुआ उसी जाति विशेष का, जिसको वो लोग मनुवादी व्यवस्था के जो थे कि वो हमेशा सर्वोच्च है और सब अधिकार उन्हीं के पास सुरक्षित है, और बाकी लोग हैं वो केवल दास हैं, वो केवल सेवा करेंगे और वो अधिकार और सम्मान की जिंदगी नहीं नहीं जी सकते। जब उस उन अधिकारों में इंटरफेयर हुआ और इनको जो वंचित वर्ग था, जिसको दलित पिछड़े हम लोग कहते हैं, बहुजन एक वर्ग था, वो जब इन संविधान की वजह से आगे आने लगा, लोग अपने आत्मसम्मान की जिंदगी जीने लगे, तो वो इस समय बर्दाश्त नहीं हो रहा आरएसएस को। क्यों? इसीलिए वो हमेशा एक हिंदू एजेंडे में काम करता है और कहता है कि ये सब जो हिंदू है, बेसिकली यदि आप हिस्ट्री पढ़ें या कोई भी आप देखें तो हिंदू कभी माना ही नहीं गया दलित को। लेकिन बहुत से लोग अभी, क्योंकि धर्म का इतना आडंबर होता है, धर्म का इतना एक कनेक्टिविटी होती है, कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विचारक भी उन्होंने कहा कि धर्म की उपयोगिता है लोगों को बांधने में है, लेकिन धर्म का स्वरूप क्या है ये डिबेट का विषय है, वो अलग था। बाबा साहब उसको एकदम अलग मानते हैं, जो हिंदू परंपरा का, जो सो कॉल्ड हिंदू परंपरा का या वैदिक परंपरा का धर्म है, या जिसको वो सनातन परंपरा का कहते हैं। तो उस वर्णाश्रम व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, उसका जो पोषक है, क्योंकि उसमें अधिकार उनके वर्ग विशेष के सुरक्षित थे, उनका उन अधिकारों का जब हस्तक्षेप होता है संविधान की वजह से, उन सभी लोगों को बराबर की समानता की बात होती है, जैसे प्रीति मैडम ने भी अभी बोला कि सब, जब समानता की बात आ गई, समता की बात आ गई कि सब कानून के आगे सब बराबर हैं, सब को एक समान है, तो फिर इनको दर्द पैदा हुआ और इन्होंने ये षड्यंत्र किया, हम सब वोट के समय हिंदू है, बाकी आप शोषण के लिए सही है। तो देखिए, जितने भी राजनीतिक विचारधारा की पार्टियां, जिसको मैं कहता हूँ सामाजिक न्याय की पार्टियां, जो इकट्ठी हुई, इन राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ, जब इन सामाजिक राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ तो इसी अधिकारों के मांग के लिए इनका जन्म हुआ। और जब ये कहते हैं तो फिर कैसे इनसे इनका इनकाउंटर होगा? तो इनकाउंटर एक ही एक नैरेटिव से हो सकता है कि आपको हिंदू बना। जब मैं कहता हूं कि हम ठीक है हिंदू मानने के लिए तैयार है, तो आप बराबर तो मान लीजिए, तो बराबर मानेंगे तो आप कहते हैं कि नहीं, शंकराचार्य नहीं बन सकते आप, कोई भी दलित वर्ग का आदमी शंकराचार्य नहीं बन सकता, ये कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्र मान लीजिए, जब शास्त्र मानेंगे तो आप उस व्यवस्था को मानेंगे, क्योंकि वो डिवाइन व्यवस्था है, उसको मानना ही पड़ेगा, आप उससे एक्सक्यूज नहीं हो सकते। और यदि आप संविधान को मानते हैं तो आपको सबको बराबर मानना पड़ेगा, सब इंसानों में सबको आत्मसम्मान देना पड़ेगा, डिग्निटी की बात करनी पड़ेगी, तो ये अधिकारों की लड़ाई है। और बीजेपी इस चीज को, और खासतौर से जो संघ विचारधारा है, इसको समझ रही है, और इसलिए इन विश्वविद्यालयों में आपने देखा होगा तीसरा चैलेंज, विश्वविद्यालय क्यों टारगेट हो गए? विश्वविद्यालय टारगेट हो गए कि वो वर्ग जो हमेशा वंचित रहा, सदियों से वंचित रहा है,
उसने अब एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल अदा करने लगा विश्वविद्यालय में, और वो अपनी बात कहने लगा, उस अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करने लगा। तो जब ये प्रतिकार ही पसंद नहीं, और सरकार भी इस समय ऐसी बन गई कि चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, कि वो अपना विरोध नहीं सुनना चाहती, आप अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहती है। और आलोचना कहाँ नहीं सुनी जाती है? आलोचना उसी व्यवस्था में नहीं सुनी जाती है जब आप अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगे। और एक चीज को मैं कहता हूँ बार बार कि निजीकरण के पुस्तक पूंजीवाद की पुस्तक की जो व्यवस्था होती है, तो इनके लिए सोशलिज्म जैसे, मानव का वेलफेयर जैसे शब्द सभी बकवास होते हैं इनके लिए, और कहते हैं सबका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये पावर को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। तो अभी देखिए वर्तमान में आप सीधे सीधे स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार जो शक्ति है वो दो ही लोगों पर संचित है, माननीय मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के ऊपर। ये व्यवस्था है, मैं फिर क्लेम कहता हूँ और दंगों की चोट पे कहता हूँ कि भावे जी एक मिनट, कि 24 का जो मुद्दा है ना वो निजीकरण का मुद्दा बनेगा, और देखिएगा निजीकरण में देश में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और होगा, और जिसमें हम आपको सबको भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि देश में यदि निजीकरण होगा तो हक और अधिकारों की बात ही आप नहीं कर सकते, ठीक है? निजीकरण इसलिए आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत असंतोष बढ़ रहा है निश्चित रूप से। और एक जो लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में है कि हम आलोचना कर सकते हैं भाई, पत्रकारिता मीडिया और तमाम जो है लोगों के पास पब्लिक के पास ये राइट है कि वो सरकार की आलोचना करे, वो आलोचना गायब है। सिद्दीकी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में इंटरव्यू में, दरम्यान में एक बात कह देना चाह रहा था, बाद में भूल जाता शायद या निकल जाती, कि अभी आपने एक वीडियो दिखाया एक साहब का जी, जिन्होंने बताया कि वो कहीं प्रोफेसर हैं। अब अगर ये जो भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार ने पिछले 7 साल में किया है, एक तबका पैदा किया है जो हालांकि उनकी तादाद बहुत कम है, कि अगर वो प्रोफेसर हैं वो साहब, और प्रोफेसर होने के बाद उनको इतनी अकल है कि वो 20% लोगों को आने वाले दिनों में मेजॉरिटी में आता देख सकते हैं, या वो इंडिया को फ्रांस और बनना देख रहे हैं, तो ये बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे? तो मेरा ये कहना है आपसे भावेश जी कि एक नहीं, ये इलेक्शन खत्म हो जाए तो कम से कम 10-5 डिबेट आप प्रीति जी को बैठाइए, राजेंद्र जी को बैठाइए, हम लोग हों, कम से कम 10-5 डिबेट हों कि भाई दिमाग में क्या भर दिया है आपके, आपका दिमाग में कूड़ा भर गया है, क्या हो गए आप कहते हैं हम प्रोफेसर हैं, आपकी पत्नी अच्छी डॉक्टर है, आप किराया हवाई जहाज का देके वोट डाले और क्यों वोट डाले हैं? तो इतनी उनकी अकल है कि वो फ्रांस नहीं बनने देना चाहते, अच्छा और फ्रांस बनने देना यूपी पे रोक लेंगे क्या आप? इसके लिए तो दिल्ली सरकार के लिए ये भी उनकी समझ नहीं आ रहा, लेकिन बोल रहे हैं क्योंकि उनका जहर इतना भर गया है, इतना जहर, ये अगली नस्ल को क्या बताएंगे? जिन लोग बच्चों को पढ़ा रहे होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य बनाएंगे? हमारा तो देखिए मैं कई बार कह चुका हूं कि इस 8 साल की मोदी सरकार में एक ये भी काम हुआ है कि मुसलमान जो है वो आल प्रूफ जैसा हो गया है, वो कहता भाई हमको तो झेलना है, लेकिन जिनको नहीं झेलना चाहिए वो इस मुसीबत में क्यों अपने आप को डालते चले जा रहे हैं? इस पर एक बहस लंबी करवाइए। जी 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 बिल्कुल, मैं रामदेव जी से पास आपके पास आता हूँ। रामदेव जी देखिए सही बात है कि इस देश में अभी जब चुनाव हो रहे हैं तो ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारे फ्रीबीज दिए जा रहे हैं और वोट का एक आकर्षण ये भी बनाया कि हम इस वक्त को ये दे देंगे, इस वक्त को ये दे देंगे, नौजवानों को नौकरी भी दे देंगे, लेकिन जो जिस घर में शांति ना हो, जिस घर में लोकतांत्रिक अधिकार ना हो, उस घर का क्या? ये जो सवाल है आज, ये सवाल सचमुच ये चर्चा में नहीं है, और इस पर मुझे लगता है सचमुच बहुत बड़ी चर्चा की जरूरत है। जो नफरत का जहर धीरे धीरे हमारे समाज में बढ़ रहा है और जिसकी वजह से इस सरकार को गलत मानने वाले लोग भी इसी सरकार को वोट कर रहे हैं कि नहीं चलो ये बात तो सही है कि ये इनको ठीक कर रहे हैं, इस समुदाय को इस समाज पर ये नियंत्रण रख पा रहे हैं, इसको केरल नहीं बनने दे रहे हैं, इसको कश्मीर नहीं बनने दे रहे हैं, इसको पश्चिम बंगाल की तरह नहीं बनने दे रहे हैं, तो ये जो नैरेटिव क्रिएट हुआ है इसका क्या आपको लगता है इस चुनाव में भी कुछ असर दिखाई देगा?